हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच प्रीवियस पेपर प्रेपरेशन जे ओ पोस्ट कोड नौ का कंप्यूटर अवेयरनेस वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स पार्ट वन जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया इस पेपर का जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि आप भी प्रेपरेशन कर रहे हैं जे पोस्ट कोड नौ की तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन है और कंप्यूटर इज एंड डैश डिवाइस कंप्यूटर डैश डिवाइस है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है देखिए इसमें बी वाला हमारा राइट right आंसर हो जाए नेक्स्ट देखिए इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर हैं उसमें मैग्नेटिक कोर जो है ये ये वाली मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है देखिए इसमें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा मैग्नेटिक कोर नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ए सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर निम्न में से कौन सा एकल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंकरण शक्ति है तो फ्रेंड्स मैनी फीचर एंड गुड प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर जो होता है उसे बोलते हैं वर्क स्टेशन देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स क्व बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच

फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इनफॉर्मेशन बिफोर इट गोज कौन सा रजिस्टर को जाने से पहले जानकारी को रखता है तो ये रखता है हाउ मेनी यूनिट इन सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम एकल बस रचना में कितनी इकाइया एक समय में संचालित करता है यह करता है टू यूनिट्स देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ माइक्रो प्रोसेसर विथ ट्वेल्व एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग बारह एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कितने स्थानों के लिए पतावी गमन एड्रेसिंग में सक्षम है तो फ्रेंड्स बारह एड्रेस लाइनों वाला जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है ये चार हजार छियानवे लोकेशन एड्रेस में या सक्षम होता है देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स लोकेशन नेक्स्ट देखिए द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कार्ड माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए पृथ्व सॉफ्टवेयर को कहा जाता है तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिवाइस बिच हेल्प टू कम कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कार्ड कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को कहा जाता है तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट आउटपुट डिवाइस इसमें देखिए डी वाला राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ही नेक्स्ट क्वेश्चन को कहते हैं इनपुट डिवाइस right किसे प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है तो प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है लाइट पेन को देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए फ्रेंड बिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है तो देखिए चार तीन शब्द दिए गए हैं काटरीज मीडिया लेजर इनमें से कोई नहीं इनमें से लेजर शब्द जो है ये स्कैनर से संबंधित है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग बार कोड्स डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा थिक एंड थिन लाइन्स अगला देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स न्यून प्रिंटरों में से कौन ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं तो देखिए प्रिंटर्स के नाम दिए गए हैं डॉट मैट्रिक्स डेजी बिल्ड इंकजेट लेजर तो इसमें डेजी भील प्रिंटर जो है ये ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं बी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमरी इन कंप्यूटर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमरी है तो उसमें रोम जो होती है कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमरी होती है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑग्जिलरी मेमोरी इज आल्सो नॉन ऑगजिलरी सहायक मेमोरी जिसे बोलते हैं या इसे या भी कहा जाता है तो इस मेमोरी को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी देखिए द्वितीयक मेमोरी बी वाला इसमें राइट आंसर होगा

मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉज इन करेक्ट रिजल्ट इज कार्ड एल्गोरिदम है एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है उसे कहते हैं उसे कहते हैं मेरे लॉजिकल एरर, तार्किक तार्किक क्षति ये वाला इसमें राइट आंसर होगा लॉजिकल एरर। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अकम्प्लिश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है रियल वर्क टास्क इसको पूर्ण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें रियल वर्क टास्क जो होगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से टर्बो सी कंपाइल्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है डी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज मशीन लैंग्वेज संदर्भित करती है मशीन लैंग्वेज जो संदर्भित करती है देखिए ये मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों को संदर्भित करती है तो उसमें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी अगला देखिए ऑफ द फॉलोइंग इज या आर लैंग्वेज प्रोसेसर न्यूनिप में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है देखिए चार ऑप्शन देखिए असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर या ऑल ऑफ दिस तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा हमारा ये तीनों जो हैं ये लैंग्वेज प्रोसेसर है असेंबलर भी कंपाइलर भी और इंटरप्रिंटर भी नेक्स्ट देखिए बिच ऑफ द इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है तो देखिए इसमें से ऑप्शन कर्नल डिवाइस ड्राइवर यूजर इंटरफेस या इनमें से कोई नहीं तो तीनों में से इनमें से कोई भी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है डी वाला इसमें राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज नेक्स्ट देखिए टू वोट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में या होना चाहिए तो सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए देखिए सी वाला इसमें राइट right आंसर होगा अगला देखिए बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल डॉस कमांड है तो देखिए इनमें ऑप्शन में सी फॉर्मेट जो है ये एक्सटर्नल डॉस कमांड है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा फॉर्मेट अगला देखिए इन एमएस विंडो हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट बिच बटन एमएस विंडो में कौन से बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है तो एमएस विंडो में स्टार्ट बटन पर हेल्प हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है बी वाला ये राइट आंसर नेक्स्ट देखिए अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन ए कंप्यूटर इज कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं तो कंप्यूटर में जो परस्पर संबंधित फाइलें होती हैं उनके संग्रह को कहते हैं डेटा बेस देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा अगला देखिए ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इन एमएस विंडो इज यूज फॉर पेस्ट एमएस विंडो में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है तो देखिए इसमें से शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो है ये पेस्ट के लिए यूज होती है ए वाला इसमें राइट right आंसर होगा और देखिए कंट्रोल प्लस वी एक तो कंट्रोल प्लस वी होती है सी टी आर प्लस वी या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये दोनों कीज जो होती है पेस्ट करने की शॉर्टकट कीज़ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शन इन एम एस विंडो विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डे टू डेयर निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में शब्द डियर से डेयर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये देखिए इसमें फाइंड एंड रिप्लेस जो है ये ऑप्शन जो है ये यूज किया जाता है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ल्ड इज परफॉर्म डॉन एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किया जाता है ये किया जाता है देखिए टेक्स्ट और टेबल दोनों में इसमें सी वाला हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इन वैलिड इन एमएस वर्ल्ड एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग अन है उसमें से ट्रिपल जो है ये राइट आंसर होगा सी वाला नेक्स्ट देखिए फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल आर कॉल्ड एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवसायिक डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है स्प्रेडशीट्स देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन एमएस वर्ल्ड सॉरी एमएस एक्सल एमएस एक्सएल में वर्कशीट का कौन सा एलिमेंट आकस्मिक संशोधन से संरक्षित है तो देखिए इसमें कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स सीनोरियो ये तीनों ही राइट right आंसर हो गए तो इसमें डी वाला ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन इन एमएस एक्सएल एमएस एक्सएल में कौन से टैब में ऑटोसम बटन होता है तो ये होता है देखिए फार्मूला टैब में देखिए डी वाला इसमें राइट right आंसर को फार्मूलाज टैब नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बिच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल एक्सेल में कौन से कमांड द्वारा हम दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं तो इसमें देखिए हाइपर जो होगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल एक्सेल में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल है तो इसमें करंट सेल जो है ये सक्रिय सेल है एक्टिव सेल होता है इसमें ए वाला राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सल इज कॉल्ड एक्सल में एक वर्कशीट की बुनियाद बुनियादी इकाई जिसमें डेटा दर्ज किया जाता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं सेल बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अ कांस्टेंट इज अनादर नेम फॉर व्हिच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल एक्सेल में किस प्रकार के डाटा का अन्य नाम कांस्टेंट होता है तो देखिए नंबर का नाम जो होता है एक्सल में कॉन्स्टेंट होता है इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा नंबर या संख्या नेक्स्ट देखिए इन एक्सल विच इज अ प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सल में कौन सा पूर्व दर सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है तो ये वाला है फंक्शन सी वाला हमारा राइट आंसर होगा कार्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्लाइड इज ए फीचर ऑफ तो फ्रेन स्लाइड किसका लक्षण है स्लाइड जो है ये देखिए एम एस पावर पॉइंट का लक्षण है डी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेक अ स्लाइड शो स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है तो स्लाइड शो बनाने के लिए देखिए प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा एम एस पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बिच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू किट पावर पॉइंट पावर पॉइंट में, right में से बाहर निकलने के लिए किस कमांड शॉर्टकट की की का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑट प्लस एफ फोर ए वाला राइट आंसर होगा आगे देखिए बिच की ऑन द की बोर्ड कैन बी यूज टू बी स्लाइड शो स्लाइड शो देखने के लिए की बर्ड की बोर्ड की कौन सी की का उपयोग होता है तो स्लाइड शो देखने के लिए एफ फाइव जो की होती है वो वाली यूज की जाती है सी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू एड मोर टेबल्स इन डेटा बेस निम्न में से किस विधि का उपयोग अधिक टेबल्स को डेटाबेस में जोड़ने के लिए किया जाता है तो देखिए चार ऑप्शन डिजाइन व्यू टेबल बीज डेटा शीट व्यू या ऑल ऑफ दीज तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज इन सभी को डी वाला राइट आंसर अगला देखिए द फीचर दैट डाटा बेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड इन डेटा बेस इज एक लक्षण जो डेटा बेस में कुछ रिकॉर्ड को एक्सेस करने की अनुमति देता है तो वो वाला होता है क्वेरी सी वाला इसमें राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डेटा इन डेटा बेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा संग्रह करता है तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल डी वाला राइट right आंसर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैबल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर निम्न में से कौन सा डेटाबेस स्तर उपयोगकर्ताओं के बहुत नजदीक होते हैं ये होते हैं एक्सटर्नल डेटाबेस ए वाला इसमें राइट आंसर होगा अगला देखिए द सेपरेशन ऑफ द डेटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डी बी एम एस इज नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोग्राम से डाटा परिभाषित को अलग करने को किस रूप में जाना जाता है तो उसको जाना जाता है देखिए डाटा इंडिपेंडेंस के रूप में बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिश टाइप ऑफ एस क्यू एल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस डेटाबेस की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार की एस क्यू एल भाषा का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है डी सी एल भाषा का देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा डी सी एल आगे देखिए अ रिलेशन डाटाबेस डिवेल्पर ई रेफर्स टू रिकॉर्ड एक रिलेशन डेटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है तो ये करता है देखिए और ट्यूपल को देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा अगला देखिए द मेथड ऑफ एक्सेस बिच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज एक्सेस की एक पत्ती जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे कहते हैं फ्रेंड्स उसे कहते हैं हैश है, बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ओ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्स फॉर अदर टू यूज इट इज कॉल्ड यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है उसे कहते हैं तो फ्रेंड्स कहते हैं क्लाइंट बी वाला ये राइट आंसर होगा आगे देखिए एम ए एन मैन या एम ए एन क्या संदर्भित करता है फ्रेंड्स कंप्यूटर में मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स सी एस एम ए सी डी आर द प्रोटोकॉल ऑफ सी एस एम ए सी डी किसके प्रोटोकॉल हैं तो ये जो है ये है बस टोपोलॉजी के प्रोटोकॉल ए वाला इसमें राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी आगे देखिए बिच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस कौन सा नेटवर्क उपकरण फायरवॉल प्रणाली प्रदान करता है और अनधिकृत पहुंच या एक्सेस रोकता है तो वो वाला डिवाइस होता है देखिए गेटवे सी वाला इसमें राइट आंसर होगा अगला देखिए द कॉमन नेम फॉर ए मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इज मॉड्यूलेटर डी मॉडिलेटर का सामान्य नाम तो फ्रेंड्स इसमें नन ऑफ दीज जो होगा राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों जो है ये मॉड्यूलेटर और डी मॉडिलेटर के सामान्य नाम नहीं है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्येटर का सामान्य नाम होता है मॉडन अगला क्वेश्चन देखिए बियर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओ एस आई मॉडल ओ एस आई मॉडल में ब्रिज कहाँ प्रचलित होता है ओ एस आई मॉडल में ब्रिज प्रचलित होता है डाटा लिंक लेयर में बी वाला ये राइट आंसर होगा देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आईपी एड्रेस कैन बी रिटर्न इन आईपी एड्रेस किसमें लिखा जा सकता है फ्रेंड आईपी एड्रेस जो है ये डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है सी वाला इसमें राइट आंसर होता है तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग